लेके जाओ ना, लेके जाओ ना। मच्छी समाजाचे अध्यक्ष आदरणीय महावीर मच्छी सर आम्ही विनंती करतोय, आपण मुख्य मंचावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। महावीरजी मच्छी साहेब एक प्रेमळ निवेदन आहे, आपण मुख्य मंचावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। तो चलते मैच की तरफ। नहीं, बल्लेबाज स्ट्राइक पर आए, बल्लेबाज हितेश्वर करण। हितेश्वर करण गेंदबाजी के लिए दीपेश। बहुत ही बढ़िया शॉट इस समय गेंद को खेल दिया है, शॉट मिड विकेट में, सिंगल का इजाफा यहां पर। और बेहतरीन स्टार्ट यहां पर मिस्टर दीपेश, गए मैच के मैन ऑफ द मैच। इस ओर की अगली गेंद और यहां पर दंडिया गोल, क्लिंग बोल, पहला विकेट इस समय बैक टू द पवेलियन की तरफ गॉन है चंद्रेश। कितने हो चुकी है यहां पर दो, पहला विकेट बैक टू द पवेलियन की तरफ आ चुका है। इसके बाद में जो मैच होगा ओम साई नाना बंदर बी वर्सेस नाजरेट इलेवन, पवन इलेवन नाजरेट बी। बोथ टीम कैप्टन आपको टॉस के लिए तैयार रहना है इनिंग ब्रेक में। तो तैयार यहां पर गेंदबाज एक बार फिर बेहतरीन उपलब्धि हासिल की है, लेकिन अब तगड़ा बैटल है क्योंकि जो बल्लेबाज है उन्होंने दो तीन बेहतरीन सिक्सर। सन्माननीय विनोदजी भोईर सर भी विनंती करते है, अपन मुख्य मंचावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं। विनोदजी भोईर साहेब आपला हार्दिक हार्दिक स्वागत है आमच्या मुख्य मंचावरती, वेलकम। अप्रतिम गेंद यहां पर, सिंगल मुकम्मल होता हुआ स्कोर कार्ड के परिसर में, दो रन। तीन ओवर का मैच और इससे तीन ओवर में देखना है कि इस तरह से श्रीराम टीम ने जो टॉस जीतने के बाद में बैटिंग करने का एक बड़ा निर्णय लिया है। चितुजी पाटिल साहब जरूर रजा लेते हुए हमसे, थैंक यू चितुजी पाटिल साहब, अपने अमूल्य पलों को दिया हमें इसीलिए स्पेशली थैंक्स। पिच मैदान में चलेंगे, तीन गेंदे और दो रन स्कोर कार्ड पर। और इस बार आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया है, गेंद जाएगी, जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा, थ्रो किया जाएगा, स्कोर में इजाफा और स्कोर पहुंचता हुआ इस समय तीन के ऊपर। थ्री रन स्कोर कार्ड पर, बढ़िया गेंदबाजी अब तक दीपेन के द्वारा। दीपेश गए मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं, जब आप मैच ऑफ द मैच रहते हो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ता है और यही देखने को मिला इस समय गेंदबाज के द्वारा। बहुत ही अच्छी गेंद, शॉट मिड विकेट में, थोड़ी सी फंबल, सिंगल का इजाफा और स्कोर इस समय पहुंचता हुआ चार पर। आखिरी गेंद अभी भी आनी शेष है,
हमारे जो गोल्डन मैजिक फिंगर है हमारे स्कोरर रूपेश माची काफी बढ़िया वर्क करते हुए, और हमारे एडिटर की बात करेंगे तो इस समय समीश मोरे, समीश मोरे की तरफ जब भी मैं देखता हूं उनका प्यारा सा मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें थोड़ी सी ऊर्जा देने का काम करता हुआ समीश। ओहो इस बार हवाई फायर, फेंक दिया सीधा और मिड विकेट, ब्यूटीफुल सिक्सर यश डिजे। फॉलो कर रहे पूरी तरह से गेंद को, ये हुनर रहा है हमारे जीटीसी लाइव ब्रॉडकास्ट का, पूरी तरह से 100% अपना देने का काम करते हुए हमारे सभी मेंबर, इसलिए जरूर हम सबकी तारीफ यहां से करूंगा। गुड जॉब साहिल एंड समीश मोरे। फिलहाल चलते बीच मैदान की तरफ, गेंदबाजी के लिए आए हैं प्रवीण, 10 रन स्कोर कार्ड पर मिस्टर प्रवीण। और इस बार बेहतरीन शॉट, भावेश और महावीर सर का स्वागत सिक्सर के साथ में होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन शॉट, और भावेश सर और महावीर सर का शुभागमन, हमारे विजय माची साहब का भी स्वागत यहाँ पर, माची समाज के एक बेहतरीन कमेंटेटर, एक मिठास भरी आवाज हमारी वीआईपी डाइस की तरफ आ रही। वेलकम सर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। भावेश माची सर एंड विजय माची सर वेलकम। श्री गणेश मोटा बंदर जी आज टूर्नामेंट हाई लई बारी, श्री गणेश मोटा बंदर जी आज टूर्नामेंट हाई लई बारी, जी गावा माजी चर्चा। थैंक यू। तो स्कोर 20 रन, कभी बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर हवा के साथ में बातें करती हुई, इस बल्लेबाज के बेहतरीन शॉट, बाद के बल्लेबाज चंद्रकांत। इस बार वाड़ा शॉट, ग्रेट शॉट, क्या पुल खेला ये, सीधा लॉन्ग ऑन को क्लियर करता हुआ, बिग 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 सिक्स एच डी से। टूर्नामेंट हाई लई बारी, श्री गणेश मोटा बंदर जी आज टूर्नामेंट हाई लई बारी, गावा माजी चर्चा। थैंक यू। 6 से स्कोर समय फ्लाई होता हुआ, स्कोर 26 के ऊपर पहुंचता हुआ, कहते ना दिल एक मंदिर है तो उसकी मूर्त है, ऊपर वाले की कसम ये शॉट कितनी खूबसूरत है, ग्रेट शॉट। सन्माननीय योगेश जी माची सरांना मी विनंती करतो है, अपन मुख्य मंचावरती येऊन स्थानपन्न व्हायचं आहे। वेलकम योगेश जी माची सर। सन्माननीय विजय जी माची साहेब, आपण सुद्धा मुख्य मंचावरती येऊन स्थानपन्न व्हायचं आहे। आमच्या माची समाजातील सर्व अनमोल रत्न आज आमच्या व्हीआयपी डाईस रोवून स्थानपन्न झालेली आहेत, आमच्या मान्यवरांची मांदियाळी या ठिकाणी बघायला मिळते। वेलकम, हृदयाच्या अंतकरणापासून आम्ही सर्व आमच्या मान्यवरांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। श्री गणेश मोठा बंदर यांच्या माध्यमातून एक दैदिप्यमान, नेत्रदीपक, नेत्रलोचक, चित्त तरारक, चित्त वेदक, रोमर्षक, रोमांचक सामन्याची पर्वणी घेऊन आलाय श्री गणेश मोठा बंदर। एक बेहतरीन टूर्नामेंट, एक लाजवाब प्रतियोगिता, इस बार अवे फ्रॉम बॉडी खेलने का प्रयास है, इस अंपायर सिग्नल इट इज अ व्हाइट बॉल, एक्स्ट्रा के रूप में इजाफा, और स्कोर समय एक से आगे बढ़ता हुआ 27 27 रन स्कोर कार्ड के पर। अगली गेंद मिस्टर प्रवीण, इस बार आड़े बल्ले से गेंद को खेल दिया, डिक्लेयर जोन में गेंद जाएगी, सिंगल का इजाफा, 28 रन ऑन द स्कोर कार्ड। फील्डिंग की तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो ऑन साइड में प्रोटेक्शन लगाने का काम करते हुए आखिरी गेंद आनी शेष 28 रन स्कोर कार्ड पर।
लाचबा बैटिंग आए हुए तमाम दर्शकों का एक बार फिर हम दिल के गहराई से हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का ये पहला दिन है आगाज इस प्रतियोगिता का, श्री गणेश मोटा बंदर के द्वारा एक खूबसूरत प्रतियोगिता, टेनिस क्रिकेट का महासंग्राम। आखिरी गेंद और इस बार पुल करना चाहते थे, रीड नहीं कर पाए और की हुई समाप्ति। और नंबर यहां पर दूसरा खत्म होता है और स्कोर कार्ड के ऊपर 28। ओम साई नाना बंदर, विपक्ष पवन इलेवन नाजरेट बी, बोथ टीम कैप्टन कम फॉर द टॉस। आपको टॉस के लिए आना है, इनिंग ब्रेक में टॉस होगा। फिलहाल 14 के अवसर से रन 28 हो चुके हैं, अगर इसी अवसर से जाएंगे तो प्रोजेक्टेड स्कोर यहां पर अब तक 56 लग सकता है। गेंदबाजी में आए गेंदबाज मिस्टर राहुल, तीसरे ओवर की सॉरी आखिरी ओवर है, तीन ही ओवर का मैच है और 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, बेहतरीन फाउंडेशन बिल्ड हो चुका है। और कहते हैं ना, अगर फाउंडेशन अच्छा आप करते हो तो एक रनों की बेहतरीन टारगेट आप ओपनिंग टीम के सामने रख सकते हो। तीसरे ओवर की पहली गेंद, डेथ ओवर, रट्टा मोर द विकेट। इस बार ऑप्शन के काफी बाहर, अंपायर के संकेत इट्स अ वाइड बॉल, एक्स्ट्रा के रूप में इजाफा, वो स्कोर इस समय पहुंचता हुआ 29, 29 रन, 29 रन स्कोर कार्ड पर। इस बीच अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, शॉट एक्स्ट्रा कवर में अच्छी फील्डिंग, सिंगल नहीं रोक पाएंगे और एक से स्कोर इस समय आगे सरकता हुआ 30 पर। थर्टी रन इस समय स्कोर कार्ड के पर। तीस रन हो चुके स्कोर कार्ड के पर, अभी भी पांच गेंदें आनी शेष है। ईश्वर की दूसरी गेंद और ये डाउन द लेग स्टंप, वाइट बॉल, तो से स्कोर आगे सरकेगा 1+1। 32 रन स्कोर कार्ड के पर 32, अभी भी पांच गेंदें आनी शेष है और पुल किया गेंद को, गेंद जाएगी मिड विकेट में, सिंगल का हिस्सा पर 33 रन स्कोर कार्ड पर। इसके बाद में एक बड़ा मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा, इनिंग ब्रेक में टॉस होगा। फिलहाल 33 रन स्कोर कार्ड के पर नजर आते हुए स्कोर। ईश्वर की अगली गेंद रट्टम ओवर द विकेट, अच्छी गेंदबाजी, सिंगल से स्कोर आगे सरकेगा 34 पर। अभी भी इस ओवर की गेंदें आनी शेष है 3, 34 रन हो चुके आखिरी 3 गेंदों में। बल्लेबाज चाहेंगे कि एक बड़ा शॉट आए, अब वो 40 का टारगेट काफी बेहतरीन टारगेट कहा जा सकता है। हवाएं पूरी तरह से राइट हैंड बैटर के लिए अनुकूल है, एयर फैक्टर जो फ्लैग दर्शा रहे हैं, हवा पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती हुई नजर आ रही इस समय। इस बीच अगली गेंद, अच्छी गेंदबाजी, टॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी, अभी भी 2 गेंदें आनी शेष हैं। इस 2 गो, आखिरी 2 गेंदें शेष। ओहो, इस बार भी डॉट बॉल, आखिरी गेंद आनी शेष है। आखिरी गेंद आनी शेष है,
34 आखिरी गेंदारी शेष है। ओ आड़े बल्ले से इस समय बढ़िया कैच, बेहतरीन ओवर रहा है। थर्टी फाइव टू विन। श्री गणेश मोटा बंदर जी आज टूर्नामेंट हाई लई बारी। श्री गणेश मोटा बंदर जी आज टूर्नामेंट हाई लई बारी। अजी गावा माजी चर्चा हाय, गावा गावा माजी चर्चा हाय। और गावा मंदी चर्चा हाय रे दादा टूर्नामेंट सुपर हाय। सो थैंक यू वळू अपन टॉस कडे कबजने हेड कबजने टेल बघूया ठिकाणी कॉल कोणाचा असेल। चॉइस अभी है। पवन इलेवन नाजरेट संघाचा कॉल असेल। महावीर माचे साहेबांच्या शुभ हस्ते कॉइन करतोय आपण स्पिन। टॉस जीता है, क्या होगा आपका निर्णय? मैं फील्डिंग लेना चाहता हूं। कितने रन तक रोकना चाहेंगे ओपोनेंट टीम को? 40 तक रोकना चाहता हूं मैं। और श्री गणेश मोटा बंदर के द्वारा जो बेहतरीन नियोजन किया है, क्या लग रहा है यहाँ पर आने के बाद में, कितना अच्छा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि नर्स भाई मुझे बोल रहा था कि हम लोग टूर्नामेंट निकालने वाला है तो अच्छे से निकालूंगा ऐसा सोच रहा था, तो अच्छा लग रहा है। टॉस आ रहा है, अपने बैटिंग करने का आपको न्योता दिया है, कितने रन से यहाँ पर बनाना चाहेंगे? 40-50 तो मिनिमम बनाना चाहोगा, और हो सके बैटिंग अच्छी रही तो 50-60 तक तो आराम से बना लेंगे हम लोग। कैसा लगा यहाँ पर आने के बाद में, जिस तरह से श्री गणेश मोटा बंदर का एक बेहतरीन नियोजन है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया उन्होंने, क्या कहेंगे उसके बेहतरीन नियोजन के बारे में? ठीक, काफी अच्छा यहाँ पे हमको प्लेटफॉर्म मिला है खेलने के लिए, और थैंक यू कहना चाहूंगा एक मोटा बंदर को कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उनको दिया गया। पवन इलेवन नाजरेट टीम ऑन द टॉस एंड इलेक्टेड बॉल फर्स्ट। तो देखना यहाँ पर दूसरी बड़ी मैच, 35 का लक्ष्य है, 35 रनों का लक्ष्य। वही अपन स्वागत समारंभ केला जाईल आदरणीय राजेश माचे सरांना। मी विनंती करतोय आपण महावीर माचे साहेबांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी करायचा आहे। साहिल पाटील मायेची उबदार शाल आपण बघतायत, महावीर माचे साहेब आपला मूल्य वेळ या स्पर्धेला देत आहेत, एक सुंदर असं व्यक्तिमत्व, मायेची उबदार शाल आणि एक पवित्र रोपट आपण बघतायत तुळशी मातेचं देऊन या ठिकाणी शुभ सन्मान। आणि आमचा साहिल पाटील मात्र बंदिस्त करतायत। आदरणीय भावेश माचे साहेबांचा शुभ सन्मान करण्यासाठी आम्ही अजय माचे सरांना विनंती करतो, वेलकम आपण या। आणि अजय माचे साहेबांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी होतोय, वेलकम सरजी। अजयजी माचे साहेब या स्पर्धेसाठी वेळात वेळ आपल्याला देत आहेत। श्री गणेश मोटा बंदर आयोजित भव्य दिव्य क्रीडा स्पर्धा आणि इथे अप्रतिम असा शुभ सन्मान। नितीनजी माचे सरांना मी विनंती करेन, विजयजी माचे साहेब यांचा शुभ सन्मान, एक गोड आवाज, अनेक टेनिस क्रिकेट पट्टूंच्या हृदय सिंहासनावर आरूढ असणारा नाव म्हणजे आमचे विजय सर, आणि त्यांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जातोय। एक माची समाज के बुलंद आवाज, मेरे छोटे भाई विजय माची का हार्दिक स्वागत यहाँ पे करते हुए। और वेलकम विजय सर, अपना हार्दिक हार्दिक स्वागत। और चलेंगे ऑन गोइंग मैच की तरफ, 35 रनों का लक्ष्य, मैच अब ऑन हो चुका है। एक तरफ गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार है तो दूसरी तरफ बल्लेबाज।
दीपेश। ओहो पहली शॉट और ये बढ़िया फील्डिंग और इस बार आगाज का भी बढ़िया है। स्कोर अगर देखा जाए इस समय 3 रन, एक गेंद 3 रन, यानी कि 35 की दरकार है, अभी भी 32 की आवश्यकता है। इस ओवर की अगली गेंद बहुत ही बढ़िया ब्लॉक में डाली थी गेंद, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे। आधुनिक क्रिकेट में इसे कैंसर गेंद भी कहा जाता है, अगर सही समय के ऊपर इलाज नहीं होगा तो लाइलाज बनती है। ब्लॉक होल वाली गेंद परफेक्ट यॉर्कर, गुड बॉलिंग। सभी अगली गेंद तैयार, काफी बढ़िया माहौल इस समय श्री गणेश मोटा बंदर की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस बार मिस टाइम, हवा में लहराती भी गेंद और ये सीधी हाथों में जाके तनती भी, विकेट गिरता हुआ, मोजिक बजता हुआ। टूर्नामेंट हाई लई बारी श्री गणेश मोटा बंदर जी, आज टूर्नामेंट हाई लई बारी, गावा माजी चर्चा हाय, गावा गावा माजी चर्चा हाय, और गावा मंदी चर्चा हाय रे दादा, टूर्नामेंट सुपर हाय। हेलो दमंती आवनार अश्विन मित्ना तेमज आकाश मित्ना ने स्टेज में आवानी कृपा करिए, प्लीज मेहरबानी करीने स्टेज में आवानी कृपा करो। श्री गणेश मोटा मंदिर तमने तमारो हार्दिक स्वागत करवामां आव्यो छे, प्लीज। काफी बढ़िया गेंदबाजी, यहां पर विकेट का पतन हो चुका है, 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर है, गेंदे हो चुकी है 3, अभी भी 32 की दरकार है आने वाली 15 गेंदों में। इस बीच अगली गेंद बहुत ही बढ़िया सीधा खेल दिया डाउन द ग्राउंड और गेंद सी मारेगा के बाहर, 4 रन, कम ऑन डीजे। अपन वेत वे या स्पर्धेला दिल्याबद्दल थैंक यू। इसमें अगली गेंद और डाउन द लेग स्टंप, एस इट इज अ वाइट बॉल, स्कोर इस समय पहुंचता हुआ 8 पर, अभी भी अगर बात करेंगे 27 की दरकार है, बहुत ही तगड़ा मुकाबला, 27 की आवश्यकता। रट्टा मोर द विकेट, ओहो इस बार इनसाइड आउट का लाजवाब शॉट, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया मैक्सिमम, बहुत ही बढ़िया शॉट। टूर्नामेंट हाई लई बारी श्री गणेश मोटा बंदर जी, आज टूर्नामेंट हाई लई बारी, गावा माजी चर्चा हाय। थैंक यू, 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, कपिल के बल्ले से हवाई फायर, ग्रेट शॉट, सीधे बल्ले का एक बेहतरीन शॉट, अब चिंताएं बढ़ती हुई श्रीराम टीम की। स्कोर समय 1-4, 14 रन, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग, सिर्फ दिशा दी सिंगल का इजाफा 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आने वाली 12 गेंदों में 20 की दरकार है, बजाओ डीजे। अब 10 के औसत से बनाने 20 रन, क्या लग रहा है मैच के बारे में? क्योंकि अजीत सर मेरे ख्याल से अभी हवा का रुख है ना चेंज हो गया, अपोजिट साइड हो गया, तो शायद अभी इतनी मेरे ख्याल से मुश्किल भी नहीं होनी चाहिए, अभी बॉलिंग को भी अपने हिसाब से बॉल अच्छी बॉलिंग करनी होगी, क्योंकि ये इस बार यस नो टेक ऑन, ग्रेट कैच, बहुत ही बड़ा कैच।
बीच मैदान में जाना है जल्द से जल्द, जल्दी बैट्समैन को भेजना है प्लीज, रिक्वेस्ट करते हैं। बैट्समैन मनोज बीच मैदान में आ चुके हैं, थोड़ा सा मिस टाइम शॉट और विकेट का पतन हो चुका है। सर मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है मुझे कि हवा का रुख ऑपोजिट साइड में आ गया, तो साइड की बैटिंग साइड को शायद मतलब फायदा कर सकता है क्योंकि हवा का रुख बहुत ज्यादा हो चुका है अभी, तो मेरे ख्याल से बैलेंस है अभी 20 रन 11 मतलब देखा तो 11 गेंद में अभी भी 20 रन चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा वन साइड गेम हो गया है मेरे ख्याल से, तो बैलेंस हो मतलब बैलेंस लग रहा है अभी भी। नहीं यहाँ पर 5 गेंदे आनिश शेष और मनोज जैसा बड़ा बल्लेबाज बीच मैदान में आए हैं, देखना यहाँ पर किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। यहाँ पर बढ़िया शॉट, गेंद को खेल दिया, सिंगल कंप्लीट होगा, अच्छी फील्डिंग वापस दूसरे की कोशिश और दो भी मुकम्मल, 10 में 18 की जरूरत है, 10 बॉल में 18, टारगेट बड़ा नहीं है लेकिन कहते ना कि जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है या फिर आपका जो शॉट सिलेक्शन है वो काफी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर मेरे ख्याल से सर यहाँ पर बैट्समैन को भी सोच समझ के यहाँ पर बैटिंग करनी हो क्योंकि अपनी टीम को या जीत का मुकाम तक लेके जाना हो तो आपको सोच समझ के यहाँ पर बैटिंग, क्योंकि यहाँ पर आप बड़े शॉट करने की कोशिश की थी शायद, तो अभी देखो फुल टॉस गेंद थी, ज्यादा ताकत लगाने का प्रयास किया, एक गेंद बिंदी भी है और टारगेट अब 200 का बन चुका है, यानी कि 9 गेंदे शेष है 18 का रन बनाने। हाँ वही सर मेरे ख्याल से सोच समझ के खेलना होगा क्योंकि दिमाग से ताकत से नहीं, यहाँ पर दिमाग से आपको खेलना है। इस बीच अगली गेंद घुमाती वाली गेंद थी और ये मौका बन रहा था कैच का, अब 8 में 17 की दरकार है, अब मैच धीरे धीरे इंटरटेनमेंट की दिशा में मैच आगे बढ़ रहा है जहां पर दोनों टीमों का बराबर का मौका है और मौका में चौका मारना जरूरी है, देखना है मौका यहां पर किस तरह से बनता है। 17 की दरकार अभी भी शेष है, ईश्वर की 2 गेंदें आनी शेष है। इस बीच अगली गेंद बढ़िया गेंदबाजी अब तक, ये थोड़ी सी खराब गेंद, अब आने वाली गेंद शेष है 8, यही गेंद जिताने के ऑपोजिट टीम को जिताने में मदद करती है खास करके। बहुत ही बढ़िया शॉट, अच्छी फील्डिंग, अब 7 में 15 की जरूरत है, 20 हो चुके हैं, सात गेंदे शेष हैं, 15 की दरकार, यानी कि इन 7 गेंदों में अगर एक बड़ा शॉट लगता है तो बैटिंग टीम को मौका रहेगा मैच को जीतने का, लेकिन गेंदबाजी की मैं तारीफ करूंगा, बढ़िया गेंदबाजी अब तक। आखिरी गेंद, ओहो लॉफ्ट करना चाहते थे, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करेंगे, अब बची हुई 6 में चाहिए 13 रन, कार्ड के ऊपर 22 हो चुके हैं, हलबली और खलबली दोनों बची हुई है, 6 गेंदों में 13 की दरकार है, चलेंगे चंद्रेश के पास। तेरा की दरकार, और यहां पर मनोज भाई नंदलाल भाई और उसके साथ में महाकाल, उसका आगमन हुए वहां पे, मतलब श्री गणेश मोटा मंदिर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत किया जाता है, वेलकम वेलकम वेलकम, हार्दिक हार्दिक स्वागत आपका। अब 6 में 13 की दरकार, मैच इज ऑन, बहुत ही लाजवाब मैच है, जो दर्शक अपने अमूल्य पलों को दे रहे हैं, जिस क्रिकेट को देखने के लिए वक्त दे रहे हैं वैसे मैच बीच मैदान में नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से एक अच्छा सा एक शॉट, बड़ा शॉट हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए,
लेकिन उतनी अच्छी बॉलिंग जो माहौल की टीम श्रीराम जयश्याराम टीम करनी चाहेंगी अपनी टीम को जिताने के लिए, काफी बॉलिंग मेहनत करेंगे और फील्डर भी मेहनत करेंगे वहां पे, उसी प्रकार ऑपोजिट साइड में बैट्समैन को यहाँ पर मतलब कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बड़ा मुकाबला है, 6 में 13 कंपल्सरी चेस, और गेंदबाजी के लिए बुलाया है गेंदबाजी के मोर्चे के लिए नीरव। ये शॉट इतना बढ़िया नहीं था और यहां पर विकेट। अब बची हुई 5 में चाहिए 13 रन। अब आने वाली गेंदे 5 और 13 की दरकार। हमारे साथी कमेंटेटर अजय माची एक बेहतरीन यूट्यूबर है और उनका भी चैनल है, मैं चाहूंगा उनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अजय जी माची साहब थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब 5 में जरूरत है नितिन अगर यहां पर सिक्सर मारते हैं तो शैलेश सर की तरफ से मिलेंगी इनामी राशि 100, 100 रुपए का कैश प्राइस। शैलेश सर की तरफ से नितिन के लिए पूरे 100 रुपए अगर जड़ते वो सिक्सर। पांच में 13 की दरकार, देखना इस ओर की अगली गेंद। यही शॉट का इंतजार कर रहे थे क्या सर, अभी आपको क्या लग रहा है? जान दशक में भी जान आ चुकी है। अब मैच की बात करेंगे तो 4 गेंदों में 7 रन की दरकार है। कहते जिंदगी के 2 ही उसूल होते हैं, कभी खुशी या कभी गम। इसके झांसे में कोई भी आ सकता है, कभी हम या कभी तुम। राइट सर, तो देखना यहां पर 4 में 7 की दरकार। कहते सफलता वाईफाई की तरह हर जगह में होती है, बस उसको कनेक्ट करने के लिए स्मार्टवर्क या हार्डवर्क नामक पासवर्ड की जरूरत पड़ती है और वो यहां पर होता हुआ। बहुत ही बढ़िया सर, तो देखना यहां पर जरूरत है 4 में 7 की। व्हाट अ मैच, ये बल्लेबाज का एक ट्रेडमार्क था, अब क्या गेंदबाज की लेंथ लाइन देखने को मिलेगी? और अंपायर सिग्नल इट्स अ वाइड बॉल, और यहाँ पर एक छक्का लगने के बाद तो यहाँ पर लग ही रहा था कि यहाँ पर उसका जो 4 में 6 बैलेंस खराब हो जाएगा। इस बार आड़े बल्ले से खेला है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, ये पलटवार है एच डी से। वही यहाँ पर देखने मैच का रूप यहाँ पर पल पल में बदल रहा है। गणेश मोटा बंदर जिया जे टूर्नामेंट हाय लई बारी अजी गावा माजी चर्चा हाय गावा गावा माजी थैंक यू। अब 3 गेंदे हैं और 6 रनों की दरकार है, एक बड़ा बिग शॉट की आवश्यकता। और मेरे ख्याल से जिस तरह से छक्का मारने वाले बैट्समैन जो रन आउट के रूप में आउट है, मेरे ख्याल से उसको स्ट्राइक अपने पास रखनी थी, शायद दौड़ना नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए था, विश्वास अपने अंदर रखना चाहिए था, क्योंकि एक बढ़िया बैट्समैन की यही एक कहते हैं ना कि रिश्ता चाहे कोई भी हो उसका पासवर्ड एक ही होता है, वो है विश्वास। विश्वास और रिश्ते कभी कुदरती मौत नहीं मरते, वो मरते गलत फहमी की वजह से, वो मरते नजरअंदाज की वजह से। रिश्ता तो मासूम परिंदों के जैसा होता है, अगर सख्ती से पकड़ोगे तो मर जाएगा, नरमी से पकड़ोगे तो उड़ जाएगा, अगर प्यार से पकड़ो तो संभल जाएगा पूरे जीवन तक। इसके लिए रिश्तों को संभलना चाहिए। अब 3 में 6 की दरकार है, और सर जिस तरह से नितिन जिस तरह से जो आउट है, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से वो मतलब 6 रन मार के एक ही गेंद खेले और 6 रन मारे थे और आउट हो, जिस प्रकार से आपको क्या मैच का रुख अभी किस तरह से आपको लगाई दे रहा है? मुझे लग रहा है कि मनोज के बैट का जो बल्ला जो घुमा रहे है उसके बैट में स्विंग में ताकत है, लेकिन प्रॉपर मिडल होना भी आवश्यक है। तो देखना है 3 में 6 की दरकार है, मनोज के ऊपर काफी भरोसा है उनको। ओ माय गॉड, मैच अब पलट चुका है। अब 2 में 6 की दरकार है और हवा का रुख भी कुछ सपोर्ट कर रहा है बैटिंग लाइनअप को, कुछ कहने जाता है। एक तरफ मैच बैटिंग की तरफ पूरी झुक गई थी, अब गेंदबाज ने
यहाँ पर पलटवार किया है। अब दो में छह की जरूरत। बहुत इंटरेस्टिंग मैच, दोनों टीमों के बेस्ट ऑफ लक। और यहां से मैच थोड़ा सा डेंजर मोमेंट की तरफ बढ़ रहा है। यश से ये भी मैच 6 रन पे आ रहा है, लेकिन अगर आगे की तीन गेंदें अगर देखेंगे तो चार में 6 रन की जरूरत थी। सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि खास करके जो बैट्समैन जो छगे बने हुए मारने वाले बैट्समैन जो रन आउट हुए उसके ऊपर काफी मतलब मदार था, तो उसको उस तरह से रन आउट नहीं होना चाहिए था। और रन आउट हुए और मैच को थोड़ा सा गेंदबाज के पक्ष में उन्होंने ढकेल दिया, ऐसा मुझे लग रहा है। सही बात है सर। अब बल्लेबाज आ चुके हैं, नेत्रों में सपना होगा आखिरी गेंद के ऊपर सिक्सर मार के मैच को जिताएंगे। बल्ले का चुम्मा लेके बीच मैदान में जा रहे, आप देख सकते हो। कहते ना कि उम्र थकने नहीं देती। और दीपक अगर सिक्स मारते ये गेंद में तो विजय माची फ्रॉम मोरवा, एक माची समाज के दिग्गज कमेंटर, उसके तरफ से 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा। दीपक आए बीच मैदान में, कहते ना उम्र थकने नहीं देती, ठोकरे गिरने नहीं देती, अगर जीत है जीतने की तो यहाँ पर परिस्थिति हारने नहीं देती। सर शायद ऐसा भी हो सकता है कि दीपक है तो शायद अपनी टीम को प्रकाश दे दे, हो सकता है, लेकिन देखना आखिरी गेंद में छह की दरकार। दोनों टीमों को बेस्ट ऑफ लक, जोर से तालियां बजा के स्वागत कर दोनों की टीम का। बढ़िया मैच, ओहो। और यहाँ पे जय सियाराम माहौल की टीम। सही वक्त पे सही गाना मैं कहूंगा। और नितिन भाई तुमसे 100 रुपए घेऊन जा। और हमारे माची मिता पटेल समाज के दिग्गज कमेंटर विजय माची नितिन कमेंट्री करने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। नितिन, ओ नितिन, शैलेश सरंकड़ 100 रुपए से पारितोषिक है।